इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु ने यही कहा, श्री अवध और वन क्षेत्र दोनों स्थलों का गुरु कृपा संहार करेगी। श्रेष्ठ की आज्ञा को मानकर जो चलता है उसको जीवन में कभी कलेश नहीं होता है, वो धर्म की धुरी को धारण करके सब सुख अर्जित कर लेता है। सूर्यवंश की जो विधि है, जो कर्तव्य है, पूज्य पिताजी ने जो वचन दिए हैं उसके अनुसार धर्म की धुरी को आप धारण करते हैं, आप भी धारण करिए और हमसे भी उस कर्तव्य पथ पर पालन करवाइए। क्यों? आप ही कर सकते हैं। अवध के जीवन में 14 वर्ष का संकट उपस्थित हुआ है। इस प्रसंग का स्मरण करके हमको आपको अपने जीवन में यह बात अवश्य धारण करनी चाहिए, हर मनुष्य के जीवन में एक न एक बार संकट अवश्य आता है, आएगा ही। संकट आएगा तो क्या करना है, उसकी तैयारी रहनी चाहिए। संकट काल से उबरने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। कैसे करें महाराज? भजन करें, धर्माचरण करें, शिव अभिषेक करें, शक्ति पाठ करें, मानस का पाठ करें, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करें, ये सब संकट काल को काटने की दवा है। ये सब संभारेगी। आपत्काल जीवन में जब उपस्थित होगा माय बाप, ये जो अर्चना वंदना नमन सत्संग ये सब काट देती। हमारे आपके जीवन में ये विपत्ति उपस्थित हुई है और भैया श्रेष्ठ भाई भाई की संपत्ति नहीं बांटता है, भाई की विपत्ति बांटता है। इसलिए प्रभु ने कहा, बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई तो मही बहुत ही कठिन चर्चा है। मनुष्य दौड़ रहा है, इतना पैसा हो जाए, इतना धन हो जाए, इतना मकान हो जाए, अब जिस जिसके पास जितना होता जा रहा है उतना वो दूर होता जा रहा है, और जिसके पास कम होता जा रहा है वो निकट आता जा रहा है। तो क्यों ना कम हो जाए कि हम पास आ जाए। पास आके क्या करेंगे, अरे दूर जाके क्या करेंगे, पास आकर क्या करेंगे, तो भाई दूर जाके क्या करेंगे। एक हमारे बड़े भाई हैं, वो नाव में रहते हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत तरह के काम हैं, लेकिन उनका जो मकान है वो जितना मेरी व्यासपीठ का ये मंच है ना इतने बड़ा है, बस कई माले हैं, 3-4 माले हैं। अक्सर में कभी हम जाते हैं, कभी भैया आते हैं, बैठते हैं हम लोग। एक दिन मैंने पूछा, भैया आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने छोटे से मकान में
ये तीनों बहुएं रहती हैं, भाभी भी रहती हैं, बच्चे भी हो गए सब, चारों हैं सब। तो उठे और सिटकिनी लगा दी, तो बोले लाला मकान तो जितने हैं चार लेकिन सब अधूरे हैं। बोले क्यों, आपको क्या कमी है? बोले नहीं, पूरे जिस दिन कर देंगे ये सब तीनों यहां से हमको छोड़ करके चले जाएंगे। अभी देखो अधूरे हैं तो हमसे यही कहते हैं सब 5 साल से, पापा उसको बना दीजिए। बन रहा है आजकल, बड़ा देख रही हो, नोट बंद हो गया, बड़ा टेंशन है सब, बहुत तनाव है, किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ कम है, और करना चाहें तो उनके लिए कुल 20 दिन का काम है। एक बड़ा सा मकान बना रहे हैं तो वो मकान 1.5 साल से बन रहा है। हमने कहा भैया कब तक पूरा होगा? बोले अपने पोते से पूछो, हमने कहा कब तक पूरा होगा? बोला अभी 3 साल लगेगा। तो हमने कहा ऐसा क्या बना रहे हैं कि 2 साल से बन रहा है 3 साल लगे? तो फिर वही बोले जिस दिन बन गया ये सब उड़ जाएंगे, इसलिए उसको धीरे धीरे बनवा रहे। देखो जो नैकट्य का सुख है वो दूर होने पर नहीं मिलता, वो समाप्त हो जाता। और ये ऐसी अनुभूति है, कह रहे थे कि प्रातः काल होते स्कूल जाने के लिए गदर मचता है और मेरा सवेरा 3 घंटा आनंद में कट जाता है। आई सब चले जाएंगे अपने अपने घरों में तो हम क्या करें अकेले? तुम्हारी भाभी हम घंटी बजाएंगे? आप समझ रही हो ना, इनको बहुत प्यार करते हैं, वो बहू जी को बहुत प्यार करते हैं। और उनकी बात सुनकर के मेरे प्रेम अश्रु छलक गए हो। ये सुख प्रभु क्या कहते हैं, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई तुम ही अवधि यदि ऐश्वर्य में अलगाव है तो ऐश्वर्य समाप्त होना चाहिए और कोई बात नहीं। यदि अभाव में स्वभाव में प्रीति है तो भगवान करे हमारे आपके जीवन में अभाव बना रहे कि प्रीति बनी रहे। यदि ऐश्वर्य दूर ले जाता है तो हमारी संस्कृति नहीं है, दूर होना हमारी संस्कृति नहीं है, निकट रहना हमारी संस्कृति है। परमात्मा कहते आपको कोमल जान करके भी मैं कठोर कह रहा हूं, क्यों? क्या पंक्ति है, जान तुम ही मृदु कहूं कठोर हमारे परिवार के जीवन में एक कुसमय है। मैं आपको जानता हूं फिर भी मैं कठोर कह रहा हूं। कठोर क्या है कि हमारी विपत्ति को बांटी है। और क्यों, ये जो क्यों का उत्तर है सरकार का उत्तर, यदि मित्र है तो बुरे समय में मित्र के साथ दीवार बनकर खड़े रहो। मित्र के साथ भाई है, प्रकृति है, मैंने देखा है, उम्र कोई कम नहीं है, देखा है। कल को जिनके महलों के सामने हाथी खड़े रहते थे आज उनके सामने भैंस खड़ी है।
समय कब किसका पलट जाए प्रकृति जानते, हम आप नहीं जानते। इसलिए श्रेष्ठ भाई कौन है, श्रेष्ठ सुबंध कौन है कि हमारे पर असमय पड़े, कुसमय पड़े, आपत्काल आए, विपदा पड़े, हम दीवार बनकर खड़े हो जाए। नहीं नहीं, हम हैं ना, आप चिंता ना करो, इसमें बड़ी ताकत है। हम हैं, आप चिंता ना करो, इसमें बड़ी ताकत है। ये तो मिट्टी है, हो रुपए को हम खर पतवार मान के चलते हैं, रुपया कुछ होता नहीं है। रुपए से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं, दवा ले सकते हैं, नींद नहीं, डल्लप का गद्दा डाल सकते हैं, निद्रा नहीं आ सकती, सामान खरीद सकते हैं, श्रृंगार नहीं, घर भर सकते हैं, सुख शांति नहीं। सामान कितना भी लगा दो उसका कोई कीमत नहीं है जी। शालती हृदय में है तभी शालती है। बाबा क्या क्या है, धूनी ही जहां गृहस्थी है, झोली भर बचा खजाना है, और बाबा राम नाम ही देना है, राम नाम ले आना है, और कोई काम नहीं। लेकिन मेरे बाबा के लिए याज्ञवल्क बाबा ने क्या कहा, कर रहे विविध विधि भोज है, सहजता है, सरलता है, शुचिता है, मन में भी आनंद है, मन में मनीलता है, खोट है, स्वभाव में चपलता है, चतुराई है, सठता है, आप कहीं रह लो, स्थान और सामान हमको पवित्र नहीं बनाते, हमको निर्मल नहीं बनाते, जीवन हमको पवित्र और निर्मल बनाता है। हमारा जीवन कैसा है, हम रहते कैसे हैं, हम जीते कहां हैं। प्रभु ने कहा श्रेष्ठ भाई ही कुठाए अर्थात कुछ समय में साथ खड़ा हो। देखिए एक स्वभाव बनाइए, जो बड़ा हो उसके साथ चलना कोई बड़प्पन नहीं है। हम जिसके साथ चलें वो बड़ा हो गया, ये बड़प्पन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।